हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़े हुए एक ऐसे स्टॉक की। यहां पर 20-25% इजीली कमाने का मौका हमारे पास है। काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है, एक रेंज बाउंड स्टॉक है और सरकारी कंपनी है। सरकारी स्टॉक जो है अभी अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं, जो एनपीए की प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी अच्छी रिजोल्व होने वाली है। बात कर रहे हैं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। तो पहले बात करते हैं कि किस टाइप से बैंक निफ्टी ने काम किया है। आप देख सकते हैं 3.18% के जो हाइक के साथ ये बंद हुआ है 979 पॉइंट्स ऊपर 31,771 पर। डे रेंज थी 30,722 और अपर रेंज जो थी 31,885 पे थी और 31,771 पे ये बंद हुआ है 3.18% चढ़कर। तो आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल से 52 वीक जो हाई है वहाँ पर 37,708 था और 31,708 के आसपास ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 6,000 पॉइंट के आसपास गिरावट ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। अगर गिरावट आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखेंगे, यहाँ पर इसने 16 फरवरी को 37,708 का हाई बनाया था। तो ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास पहले, 16 फरवरी से ऑलमोस्ट हम 14 अप्रैल पे हैं, तो 2 महीने पहले इसने ये हाई बनाया था। और वहीं से जो स्टॉक देखेंगे पीएनबी का, तो पीएनबी का जो स्टॉक था आप देखेंगे कि इसी लेवल के ऊपर 19 फरवरी 46.35 रुपये के ऊपर था। आप देख सकते हैं जो हाई था 46.35 रुपये और जो क्लोज हुआ था 42 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था। उसके बाद से ही जैसे जैसे बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर दिखाई दिया, आप देख सकते हैं वहीं से ये नीचे आता हुआ नजर आया। तो पीएनबी का स्टॉक एक ऐसे रेंज के ऊपर था जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था और ये स्टॉक ऊपर जा सकता था, बट वहां से जैसे जैसे करेक्शन स्टार्ट हुई तो ये भी नीचे आता हुआ नजर आया। अगेन एक अच्छा चांस हमें दे रहा है 20-25% इजीली कमाने का, और अगर ब्रेकआउट अगेन ये देता है यहां से तो बिल्कुल ये अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो बात करते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या एनपीए है, एनपीए कैसे आ सकते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो पहले पीएनबी का स्टॉक देखते हैं। जो प्रीवियस क्लोज था 33.95 रुपये के आसपास का था और 34 रुपये पे ये ओपन होता है, हाई बनाता है 35.30 रुपये, लो है 33.65 रुपये का और 35.05 रुपये के आसपास ये बंद होते हुए नजर आया 13 अप्रैल को। आज छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, तो कल जो सेशन ओपन होगा अगर कुछ भी गिरावट इसके अंदर मिलती है तो एक लेवल है जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि आप अकोमुलेट करेंगे तो आपको इजीली पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी अब कम रह गई है और अप साइड इसके अंदर काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद हम देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं इसके, वो 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम 11,42,31,000 के, जबकि इसने अब जो वॉल्यूम्स थे इसके लास्ट सेशन में वो 14,70,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स के साथ इसने काम किया है। और बीटा देखेंगे तो 1.20 का है, यानी काफी अच्छा इसके अंदर मोमेंटम रहता है। अगर हम बात करें कि रिजल्ट्स कब ये अनाउंस कर सकते हैं, अभी इस पे रिजल्ट्स का कोई भी अनाउंसमेंट इस पे नहीं आई है कि रिजल्ट्स ये कब अनाउंसमेंट करेंगे, बट अगर हम देखें तो लास्ट जो रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए थे इस क्वार्टर के, तो 19 जून 2020 के आसपास इन्होंने अनाउंस किए थे, तो उसके आसपास की डेट्स मोस्टली बनती हैं यार कंपनी की, जो उसके आसपास ही ये रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। इसके बाद देखेंगे जो मार्केट कैप है इसका 36,770 करोड़ का है, मिड कैप मार्केट कैप है इसका। और रेशियोज देखेंगे 4.69%, आरओई देखेंगे 0.73, ये दोनों ही आपको आने वाले टाइम में इंप्रूव होती नजर आएंगी जैसे जैसे रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। अगर आप देखेंगे 20.8 का इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी 35.3 है, ये भी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में और भी अच्छे होंगे। ईपीएस सुधरती हुई नजर आएगी और पीई भी इसकी गिरती हुई नजर आएगी। बुक वैल्यू देखेंगे 61 की है, जबकि ये सिर्फ 35 के आसपास से काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 42% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू पे, 0.58 प्राइस टू बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं और ऊपर से काफ़ी अच्छी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है 46.4 का जो हाई इसने अभी लगाया था जो मैंने बताया। उसके बाद से जैसे जैसे बैंक निफ्टी में करेक्शन हुई इसके अंदर भी करेक्शन देखने को मिली। रिजल्ट्स अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 538 करोड़ जून क्वार्टर में प्रॉफिट दिया, 576 करोड़ फिर दिया और 747 करोड़ फिर इसने प्रॉफिट्स दिए हैं। तो 3 क्वार्टर लगातार इसने प्रॉफिट्स दिए हैं, उससे पहले जो 2 क्वार्टर थे वो नेगेटिव रहे थे। तो यहाँ पर जब
पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और आने वाला जो क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स होंगे वो मार्च 2020 से कंपेयर किए जाएंगे ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के रिजल्ट्स थे, तो रिजल्ट्स जब पॉजिटिव आएंगे और यहाँ से कंपैरिजन होगा उसका, तो ऑब्वियस है कि स्टॉक में अच्छे मोमेंटम पकड़ता हुआ अगेन नजर आएगा। इसके बाद अगर आप देखें कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है 76.87 के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, FII 2.94 है, DII 9.07 और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.12% का ही स्टेक इसके अंदर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं रिटेलर्स के पास काफी कम होल्डिंग है, नीचे के लेवल पे काफी अकोमुलेशन है और ये जो आप देख रहे हैं मार्च 2021 का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स के पास है काफी कम होल्डिंग इसकी है। इसके बाद हम देखेंगे जब हम बात करते हैं किसी भी बैंक की तो एनपीए देखने काफी जरूरी है, तो क्वार्टरली एनपीए जब देखेंगे दिसंबर 2019 में क्या एनपीए थे, मार्च 2020 में और दिसंबर 2020 के क्या एनपीए, तो कैसे एनपीए हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रोस एनपीए, जो ग्रोस एनपीए है यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए वो 16.30 था, उसके बाद से देखिए इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है 12.99 जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर इन्होंने दिया था 16.30 से 12.99 और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए देखिए 7.18 जो हुआ करता था 4.03 के आसपास ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एसेट क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी इंप्रूव हो रही है और आने वाले टाइम में बिल्कुल एसेट क्वालिटी के ऊपर नजर रहेगी और जितने भी सरकारी बैंक हैं काफी एसेट क्वालिटी के ऊपर ये काम कर रहे हैं और एनपीए को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके एनपीए रिड्यूस होंगे और काफी अंडर परफॉर्म इन्होंने किया है तो ये चलते हुए आपको बिल्कुल नजर आएंगे और बुक वैल्यू को तो एटलीस्ट ये टच करते हुए नजर आएंगे। बुक वैल्यू जैसे मैंने आपको इसकी बताई 61 के आसपास की है, तो ये 61 को बिल्कुल टच करते हुए आपको नजर आएगा। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए आप देखिए डाउन आ रहा है, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए भी 7.18 से 4.03 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है और हर क्वार्टर में आप देखेंगे ये रिड्यूस होते हुए नजर आ रहा है 7.18, 5.78, 5.39, 4.75, 4.03। सेम देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए भी आपको हर क्वार्टर में रिड्यूस होते हुए नजर आएगा। अगेन ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे इसके अंदर भी रिड्यूस होते हुए नजर आएगा और जब भी क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने होते हैं उससे पहले स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है और एक रैली स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे ही रैली आपको इसके अंदर भी दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, जो ये थे फंडामेंटल्स, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या इसका मार्केट कैप है और कैसे ये आगे बिहेव कर सकता है, बट जो मोमेंटम मूविंग एवरेज है क्योंकि काफी करेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी हो चुकी है तो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ एक इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन और नीचे की बनती है, तो वो लेवल्स हम अभी देखेंगे चार्ट के ऊपर क्या लेवल बनता है जिसके ऊपर हमें इसे अकोमुलेट करना चाहिए ताकि लो साइड रिस्क कम हो और अपसाइड जो रिवार्ड है काफी अच्छा बनता हुआ नजर आए। तो मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो 13 सेल है, एक न्यूट्रल और एक बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ऑसिलेटर देखेंगे एक बाय है, 8 न्यूट्रल है और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम सबको मिलाएं 26 इंडिकेटर्स को तो आपको सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो है सेल इसके अंदर हो सकता है, सेल करके चलना चाहिए। बट जब भी जो थ्योरी है, जब ओवरसोल्ड एक जोन में स्टॉक पहुंचता है तो वहां पर बिल्कुल बाय करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए और कुछ टाइम उसे देना चाहिए ताकि वो आपके पैसे को ग्रो कर सके। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 9 न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और 15 जो है सेल की तरफ इंडिकेट यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सेल की तरफ जो सेंटिमेंट है वो माइनस है क्योंकि 46 के लेवल से स्टॉक गिरा है, वो 35 के आसपास आया है। और अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट पे जो इसने लो जो बनाया था 33.3 के आसपास का इसने लो बनाया था जिस दिन 12 अप्रैल को ये डाउन आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे कि 33.65 का एक लो बना था और यहाँ से जो स्टॉक है आप पहले का जो लो देखेंगे 31 रुपए के आसपास का जो है, 31 और 32 के बीच का लेवल जो है बिल्कुल एक सेफ जोन बनता है अगर ये स्टॉक वहाँ तक आता है, मिलता है कोई भी बैंक निफ्टी में कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या कोई भी सेंटीमेंट माइनस होता है तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत अगर करेक्ट करता है और तो बिल्कुल ये स्टॉक को आपको 31 और 32 के जोन में अकोमुलेट करना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। आप देख सकते हैं पहले भी ये स्टॉक इस लेवल तक आया था 31.40 रुपये तक, वहाँ से बाउंस किया था और बाउंस करके 37-38 रुपये तक गया था। अगेन स्टॉक जो है इस लेवल तक आया 31-32 रुपये के आसपास, अगेन जो है बाउंस बैक किया और आप देख सकते हैं जो लेवल हाई बनाया इसने
46 रुपए के आसपास का हाई बनाया। अगेन जो स्टॉक जो है इसी लेवल के आसपास आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, 33 रुपए 30 पैसे के आसपास। अगर ये आपको 31-32 रुपए के बीच में मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमोलेट करना चाहिए, डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम रह जाएगा और अपसाइड आपके पास अगेन ये जो है इस लेवल को टच कर सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो 42.8 के आसपास का बनकर आता है। अगर आप देखेंगे 42.8 के आसपास इसने जो स्टॉक ने 3-4 बार वहां तक गया है, बट जो एक आप देख सकते हैं यहां पर 46.65 तक गया है स्टॉक, अगेन यहां पर जो है 42.45 तक गया है स्टॉक, आप देख सकते हैं यहां पर हाई जो है 42.65। अगेन यहां पर जो है स्टॉक यहाँ पर क्रॉस कर गया था, इसे एक अच्छा क्लोजिंग ऊपर देना स्टार्ट कर दिया था स्टॉक ने, बट जो निफ्टी ने इसे जो बैंक निफ्टी है सपोर्ट नहीं किया, उसके साथ साथ करेक्शन में ये भी नीचे आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक ने 42.65 और 85 के आसपास के लेवल्स को टच किया है, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर है और स्टॉक बार बार इसको टच कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टच किया, नीचे आया, अगेन यहाँ पर टच किया, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, फिर अगेन इस लेवल को टच किया। तो आप अगर इसे 31-32 रुपए के बीच में मिलता है और लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक अगेन इस लेवल को टच कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सेंटीमेंट अच्छे होते हैं और इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक अगेन 60-61 तक भी इजीली जाते हुए नजर आ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छी है और अच्छा पैसा ये बना के आने वाले टाइम में भी दे सकता है, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। कोई भी करेक्शन इसके अंदर होती है बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ इसे अकोमोडेट कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड अगर आप इसमें बढ़ाते हैं तो ये अच्छा मल्टीपल पैसा बनाकर आपको दे सकता है, क्योंकि रिस्क काफी कम है और पैसा अच्छा बनाकर दे सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसे लेते हैं, इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास भी अगर आप इसे ये टच करता है 42.65 को, तब भी आप निकल सकते हैं, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर अगेन पोजिशन बना सकते हैं 60 के लेवल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।